तो डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन डिमांड डिपॉजिट, नंबर टू टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट क्या है, मांग जमा कौन सी है? तो मैं बात कर रहा था कि जमा कितनी प्रकार की होती है, डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं, एक तो मांग जमा, दूसरा सावधि जमा, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट है, साधारण इसकी परिभाषा यही है, जिसको मांग पे जिसका पैसा दे हो उसी को हम क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट है। और डिमांड डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, एक तो बचत खाता होता है, नाम सुना है, सेविंग बैंक, दूसरा करेंट डिपॉजिट। दो ही तरीके होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एक तो सेविंग बैंक, द अदर इज करेंट डिपॉजिट। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, सेविंग बैंक सभी लोग खोल सकते हैं लेकिन करेंट डिपॉजिट केवल व्यवसायी लोग, बिजनेस मैन को खोलने की परमिशन है। एसबीआई सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिलता है लेकिन करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है लेकिन सेविंग बैंक में ओवरड्राफ्ट नहीं दिया जाता है। सेविंग बैंक के परिचालन में कुछ पाबंदियां हैं, जैसे कि आप एक क्वार्टर में 25 विड्रॉल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, एटीएम से आप पर डे इतनी लिमिट से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ये काफी पाबंदियां हैं। लेकिन करंट अकाउंट में कोई पाबंदी नहीं, आप दिन में चाहे कितनी बार ऑपरेशन करें, लेन देन करें, ट्रांजेक्शन करें, चाहे कितनी बार जमा करावें, चाहे कितनी बार निकालें पैसा, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग बैंक में ब्याज मिलता है। सेविंग बैंक केवल बचत के लिए है, निमित्त है, और सीडी केवल चूंकि बिजनेस मैन ही खोलते हैं, ये बिजनेस पर्पज के लिए खोला जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, अधिविकर्ष अगर ग्राहक चाहे तो बैंक उसको ओवरड्राफ्ट भी देती है करंट अकाउंट में। हाँ, करंट डिपॉजिट माइनर जो 18 साल के पूरे नहीं, जिन्होंने अपनी उम्र की है, अवयस्क, उनको खोलने की परमिशन नहीं है, ब्लाइंड पर्सन को खोलने की परमिशन नहीं है। तो कुछ इसमें भी पाबंदियां हैं, कौन से लोग खोल सकते हैं, नहीं कौन से लोग नहीं खोल सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कंपनीज है, प्रोप्राइटर्स फर्म्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, या अदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में सीडी अकाउंट खोला जा सकता है। नाउ कम्स टू टर्म डिपॉजिट, यह मिनिमम 7 डेज के लिए खोला जाता है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। डिमांड और टर्म डिपॉजिट में अंतर यह है कि डिमांड डिपॉजिट का भुगतान उनकी मांग पे करना है, टाइम डिपॉजिट एक जब वो परिपक्वता पूर्ण हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, जब परिपक्व हो जाती है तभी उसका भुगतान किया जा सकता है।